अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरबाज साकिब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी रेडर का यूट्यूब चैनल। इससे पहले आपने हमारी बारह वीडियोस देखी हैं जिसमें हम आपको पर स्क्वायर यार्ड प्लॉट की जो है ना वो वैल्यूएशन बताते हैं कि प्लॉट की प्राइस पर स्क्वायर यार्ड में कितनी होगी, या हम अपार्टमेंट में या विला में। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें मैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का पर स्क्वायर यार्ड जो है वो आपको बताऊँगा, सबसे सस्ते प्लॉट्स किस जगह पर हैं और इसके बाद इस वक्त के सबसे ज़्यादा जो है ना वो प्राइस जिस प्रीसेंट में है, जिस कमर्शियल में है, वो कौन सी हैं। तो आज की वीडियो जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी होल्डर्स के लिए है, या वो लोग जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या वो प्रॉपर्टी में बाय करके कमर्शियल प्रॉपर्टी अपनी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा 133 यार्ड कमर्शियल के हवाले से। बहरे टाउन कराची में बहरे टाउन ने चार किस्म की डील दी हैं 133 यार्ड के हवाले से। सबसे पहले इनकी ओल्ड कमर्शियल की डील थी 133 यार्ड में, फिर इसके बाद मिडवे कमर्शियल एबी की डील थी, उसके बाद इन्होंने एवेन्यू 1-2 की डील दी, फिर इसके बाद अली ब्लॉक कमर्शियल की डील आ गई। अभी रिसेंटली भी कल एक डील दी है बैरिया ने 133 यार्ड की, तो इसकी हम डिटेल जो है वो आगे वीडियो में आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहला जो कमर्शियल बैरिया टाउन कराची में 133 यार्ड का कमर्शियल, जिसे हम ओल्ड कमर्शियल के नाम से जानते हैं, वो प्रीसेंट 10A का ओल्ड कमर्शियल है 133 यार्ड पर मुश्तमिल ये कमर्शियल, जिसमें बहरे टाउन की SOPs के मुताबिक आप ग्राउंड प्लस 6 की बिल्डिंग बना सकते हैं। ये टोटली कमर्शियल एरिया है, ये सेमी कमर्शियल नहीं है, जिस तरह के पहले आप बिल्डिंग्स देखते हैं जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे आपको कमर्शियल मिल रहा है या उसके ऊपर आपको अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये टोटली ग्राउंड से लेकर 6 फ्लोर तक आपको कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी करनी है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ ही यहाँ पर होंगी, रेजिडेंशियल यहाँ पर अलाउ नहीं है। अगर आप दो या दो से ज़्यादा प्लॉट्स की तरफ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन इकट्ठी करते हैं, तो ग्राउंड प्लस 8 की बैरिया आपको परमिशन देता है। अब प्रीसेंट 10A का कमर्शियल की प्राइस इस वक्त जो चल रही है और इसकी लोकेशन जो मेन गेट से हम ट्रैवल करके जाएँ उस लोकेशन तक, तो तकरीबन अराउंड 7 किलोमीटर की जो है वो ट्रैवल बनता है यहाँ तक, और अभी की जो प्राइस है वो तकरीबन 2.5 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ तक एज़ पर लोकेशन प्राइस में वेरिएशन आ रहा है। इसको हम अगर पर स्क्वायर यार्ड में कैलकुलेट करें तो 1,90,000 से लेकर 2,30,000 से 35,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक इसकी प्राइस में आपको लैंड कॉस्ट पड़ेगी। अब इसके बाद फिर हम जो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड करें, फिर इसको सेल करने जाएं, ये एक अलग से इसमें हम टॉपिक में चले जाएंगे। ये इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट हमारी जो सीरीज़ आएंगी उसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह आप इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट ला सकते हैं, इसमें PPL के प्लेटफॉर्म से आपको क्या जो है वो सर्विसेज दी जाएंगी, आप एज ए स्लीपिंग पार्टनर आना चाहें या आप जो है वो पूरा प्रोजेक्ट ही खुद से बनाना चाहें और सेल्स की सर्विसेज हमें हमारे से हासिल करना चाहें, तो हम उसमें आपसे MOU साइन कर लेंगे। अब ये जो सस्ते सबसे कमर्शियल प्लॉट्स में प्रीसेंट 10A का ओल्ड कमर्शियल आता है, जिसमें मैंने प्राइस भी आपको बता दी, पर यार्ड का बताऊं तो वो 1,90,000 से लेकर 2,30,000 रुपये तक एज़ पर लोकेशन है। इसके बाद दूसरा कमर्शियल आ जाता है जो 133 गज़ का बैरिया ने दिया, वो आता है मिडवे कमर्शियल A और B। बहरे टाउन कराची में जिसने भी बैरिया को विज़िट किया वो मिडवे कमर्शियल A और B में लाजमी आया होगा। वो मिडवे कमर्शियल AB में इस वजह से आया होगा, या तो उसने A में ट्रैवल किया है तो वो ट्रांसफ़र के हवाले से आया होगा या किसी और एक्टिविटी के हवाले से आया होगा। B में उसने अगर विज़िट किया है तो वो फूड चेन के हवाले से विज़िट किया होगा, या उसकी कोई ऐसी जो है वो बैंक के हवाले से रिलेटेड काम होगा, या वो बैरिया में कोई अपना घर बना रहा है, या वो बैरिया का रेजिडेंस है, तो वो मिडवे B में ज़रूर जाता है। मिडवे B और मिडवे कमर्शियल A इस वक्त का बहरे टाउन का जो है ना कमर्शियल हब कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी, सबसे ज़्यादा फुटप्रिंट भी यहाँ पे है और रात को लेट नाइट तक आपको यहाँ पे लोगों का चहल कदम नज़र आएगा। मिडवे कमर्शियल A और B की प्राइस जो है ना वो बैरिया ने जब लॉन्च किया था वो 1,50,00,000 रुपए में इंस्टॉलमेंट प्लान पे दिया था आज से कोई 7 साल पहले।
इस वक्त की जो प्राइस है मिडवे कमर्शियल ए और बी की 4.5 करोड़ से प्राइस स्टार्ट होकर एज़ पर लोकेशन जो है, सॉरी 5.5 करोड़ से प्राइस स्टार्ट होकर एज़ पर लोकेशन जो है वो आपको 8 करोड़ रुपये तक की भी प्लॉट की प्राइस मिडवे कमर्शियल बी में देखने को मिलेगी। अब इसमें भी SOPs जो हैं बैरियर की वो ग्राउंड प्लस 6 की हैं। ग्राउंड प्लस 6 का कमर्शियल आप बना सकते हैं और ये टोटली कमर्शियल होगा, इसमें रेजिडेंशियल अलाउ नहीं है। अगर आप दो प्लॉट या दो प्लॉट से ज़्यादा की तरफ जाएंगे कंस्ट्रक्शन की तरफ तो आपको बैरिया दो फ्लोर ज़्यादा ऑफर करता है, ग्राउंड प्लस 8 आप कमर्शियल बना सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं पर स्क्वायर यार्ड की मिडवे कमर्शियल ए और बी में तकरीबन 4.25 लाख या 4,13,000 तक भी कैलकुलेशन आ रही है, 4,13,000 रुपए से लेकर तकरीबन 5.5 लाख रुपए तक एज़ पर लोकेशन पर यार्ड प्लॉट की प्राइस आपकी निकलेगी। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे भी कि ये प्राइस जो है वो इस वक्त की सबसे ज़्यादा प्राइस है पर यार्ड में आए। पर यार्ड में 4,25,000 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस है, उसके बाद वो इसमें आपको तकरीबन 5.5 लाख रुपए तक भी पर स्क्वायर यार्ड तक प्लॉट की लैंड कॉस्ट आ रही है। फिर इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड करेंगे। इसमें वजह ये है कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो इस वक्त की एक्टिविटीज़ वो मिडवे कमर्शियल ए बी में हो रही है। रेंटर रिटर्न के हवाले से सबसे बेस्ट जो रेंट आपको मिल रहा है छोटे कमर्शियल में वो मिडवे कमर्शियल ए और बी में मिल रहा है, और इवन कि आप ऊपर ऑफिस में भी चले जाएँ तो वो भी हैंडसम रेंट है आपको इस वक्त जो है ना वो रेंटर रिटर्न की सूरत में मिल रहा है। तीसरे कमर्शियल की बात करते हैं, जो 133 यार्ड का कमर्शियल था वो कमर्शियल बैरियर ने लॉन्च किया एवेन्यू 1 और 2 का कमर्शियल। एवेन्यू 1 जो कि कायद विला उसकी बैक पे हैं या प्रीसेंट 1 के विलाज उसकी बैक पे हैं, फिर एवेन्यू 2 वो जो जिसकी बैक पे इकबाल विलाज हैं या उसके फ्रंट पे प्रीसेंट 3 के प्लॉट्स हैं। तो ये एवेन्यू 1 और 2 का कमर्शियल 2.5 करोड़ रुपये में बैरियर ने लॉन्च किया था आज से 2 साल पहले, और इस वक्त की इसकी प्राइस अगर बताऊं तो तकरीबन कोई 5 करोड़ से इसकी प्राइस, सॉरी 4 करोड़ से प्राइस स्टार्ट होकर एज़ पर लोकेशन 5.5 करोड़ तक जा रही है। और इसकी एज़ पर जो है ना वो लोकेशन ये है कि इसमें बैरियर ने अपनी SOPs को कुछ चेंज किया है। मेन गेट से एक तो करीब है, इसकी सराउंडिंग पॉपुलेटेड है, कायद विलाज हैं, इकबाल विलाज हैं, सराउंडिंग जो है वो मेन गेट से अगर हम ट्रैवल करें तो मैक्सिमम जो ट्रैवल बन रहा है वो 1 से 1 किलोमीटर का ट्रैवल है, और आप विद इन 3 मिनट और 2 मिनट आप अपने इस कमर्शियल की लोकेशन पे जा सकते हैं। प्राइस इसकी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं इसके पर यार्ड की बात करूं तो ये जो है ना वो सेकंड नंबर पे सबसे एक्सपेंसिव कमर्शियल आएगा, जो कि 4 लाख रुपए पर यार्ड से स्टार्ट होकर तकरीबन कोई 4,70,000 रुपए पर यार्ड पर मुश्तमिल है, पर यार्ड तक इसकी प्राइस की वेरिएशन आ रही है। इसमें बैरियर ने SOPs चेंज की कि आप ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल दे सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे कमर्शियल दे सकते हैं, उससे ऊपर आप जो है ना 6 फ्लोर तक अपार्टमेंट्स लेके जा सकते हैं। जबकि इससे पहले जो दो कमर्शियल थे 133 यार्ड के, उसमें बैरियर ने अलाउ नहीं किया था, आप सिर्फ एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते थे, उन कमर्शियल प्लॉट पे रेजिडेंशियल नहीं कर सकते थे। इसको मैं कंपेयर भी करूँगा कि DHA के साथ, DHA के जो प्लॉट हैं वो ग्राउंड प्लस 3 या ग्राउंड प्लस 4 की जो है ना कंस्ट्रक्शन आप उस पर कर सकते हैं। बैरियर इस हवाले से आपको 2 से 3 फ्लोर जो है वो ज़्यादा ऑफ़र करता है, वही ऑफ़र जो है वो आपके प्रॉफिट रेशियो को ऊपर ले जाती है, आपकी लैंड कॉस्ट को कम कर देती है। तो ये ग्राउंड प्लस 6 आप रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल सेमी कमर्शियल ये प्लॉट है, अगर दो प्लॉट या दो प्लॉट से ज़्यादा की तरफ आप जा रहे हैं तो वो आपको 8 फ्लोर तक बैरियर इजाज़त देता है। इसके सामने पार्किंग का इशू नहीं है, फ्रंट पार्किंग है, अपोजिट साइड पार्किंग है, फिर उसके बाद इसमें 120 फीट का वाइड रोड है, तो काफ़ी खुली स्पेस है पार्किंग के लिए भी। एवेन्यू 1 और 2 का कमर्शियल। इसके बाद फिर बैरियर ने कमर्शियल दिया, जो 4th नंबर पर कमर्शियल आया वो था अली ब्लॉक का कमर्शियल। अली ब्लॉक का कमर्शियल जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो प्राइम लोकेशन पे है, मेंजने एवेन्यू को टच करता हुआ भी ये कमर्शियल अली ब्लॉक का। अली ब्लॉक का कमर्शियल बैरियर ने 2.5 करोड़ रुपए में दिया था, और आज अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूं तो ये 3 करोड़ रुपए तक आपको प्लॉट मिल जाता है, और 3 करोड़ से लेकर 4 करोड़ या 4 करोड़ अबव तक भी एज़ पर लोकेशन प्राइस में वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। इसमें पर यार्ड की बात करूं तो तकरीबन 3,70,000 पर यार्ड से प्राइस स्टार्ट होकर 4,50,000 रुपए तक पर यार्ड की प्राइस इसकी निकल रही है।
ये प्राइस जो है वो कदरे कम है मिडवे कमर्शियल ए बी से, या फिर बात करें तो एवेन्यू वन और टू से। इसमें भी बैरिया ने एसओपी चेंज की, जिस तरह हम एवेन्यू वन टू में जा रहे थे कि वो पे सेमी कमर्शियल था, ग्राउंड कमर्शियल, उससे ऊपर अपार्टमेंट्स दे दें 6 फ्लोर तक। इसमें भी सेम उसी रूल्स को फॉलो किया गया कि आप ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल दे सकते हैं, 1st फ्लोर से लेकर 8 फ्लोर तक आप या 6 फ्लोर तक आप कमर्शियल जो है ना वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी दे सकते हैं। इसके बाद कल जो नई डील आई है प्रिसेंट 3 उसके बैक पे है, एवेन्यू 2 पे ही नई डील दी बैरिया ने। वो डील थी जो है वो 133 यार्ड पर मुश्तमिल प्लॉट्स हैं, 3,60,00,000 रुपए की इसकी बुकिंग है, और इस वक्त हमें तकरीबन कोई 5-10 लाख ऑन पे ये प्लॉट मिल जाते हैं। 5-10 लाख रुपए ऑन पे प्लॉट मिलने के साथ पर यार्ड की अगर मैं इसकी प्राइस निकालूं तो तकरीबन 2,70,000 रुपए पर यार्ड से स्टार्ट होकर 3 लाख रुपए पर यार्ड तक इसकी जो है ना वो प्राइस वेरिएशन आ रहा है। ग्राउंड प्लस 6 अलाउ है, सेमी कमर्शियल है, फुल कमर्शियल भी आप बना सकते हैं। जबकि अपोजिट साइड आते हैं तो वो इकबाल कमर्शियल के प्लॉट्स हैं, और इकबाल कमर्शियल के जो हमारे पास प्लॉट हैं उनका जो पर यार्ड आ रहा है वो तकरीबन 3,70,000 से स्टार्ट हो रहा है। तो तकरीबन 1 लाख रुपये पर यार्ड का डिफरेंस है सिर्फ एक रोड क्रॉस करने से आपको मिल रहा है, क्योंकि एवेन्यू 2 इकबाल विलास जिसकी बैग पे है वो 3,70,000 रुपये पर यार्ड पर मुश्तमिल उसकी लैंड कॉस्ट आ रही है, और इसी तरह नई डील बैरियर ने दी है उसमें आपको 2,70,000 रुपये पर यार्ड पर जो है ना वो प्लॉट की लैंड कॉस्ट आ रही है। फिर एक कमर्शियल जो कि हॉस्पिटल कमर्शियल के नाम से जाना जाता है, ये भी एक कमर्शियल बैरियर ने दिया था, वन शॉट पेमेंट पे था ये कमर्शियल, और इस वक्त ये हॉस्पिटल कमर्शियल जो है ना वो मैक्सिमम साइट्स इस पे बन चुकी हैं। अब जो है वहाँ पे फूड स्ट्रीट के नाम से भी डोमिनियन ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 8 से 10 प्लॉट पर, और ग्राउंड प्लस 6 तक वो बन चुका है। उसके सराउंडिंग भी देखें तो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स जो है ना वो उभर रही हैं, काफ़ी कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है वो वहाँ पर काफ़ी तेज़ है। हॉस्पिटल कमर्शियल की बात करूं तो हॉस्पिटल कमर्शियल भी बैरिया ने 3 करोड़ रुपए की जो है ना वो बुकिंग प्राइस रखी थी इसकी, और इस वक्त वहाँ पे तकरीबन कोई मिडवे कमर्शियल के पैरेलल तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए में ही आपको प्लॉट मिलेगा। हॉस्पिटल कमर्शियल इस वजह से महंगा भी है कि इसकी बैक जो है वो अपार्टमेंट्स हैं, पॉपुलेटेड एरिया है, और इसी तरह फ्रंट जो है वो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे इम्तियाज़ मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपके साथ ही हॉस्पिटल भी है, जिनाह से भी बिल्कुल करीब है, मेन गेट से भी अगर हम ट्रैवल करते हैं तो तकरीबन जो मैक्सिमम ट्रैवल बन रहा है वो 1.5 किलोमीटर का ट्रैवल बन रहा है। तो हॉस्पिटल कमर्शियल में भी पर यार्ड तकरीबन आपको कोई 4.5 और 4,25,000 से लैंड कॉस्ट आती है, वो 5.5 लाख रुपए तक जो है ना एज़ पर लोकेशन लैंड कॉस्ट चली जाती है। और यहाँ पे जो है ना आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो फुल कमर्शियल कर लें, या आप सेमी कमर्शियल ग्राउंड कमर्शियल करके ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आप बना सकते हैं। अभी इसी तरह हो रहा है कि ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल है, उसके ऊपर जो है ना वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि अपार्टमेंट्स इसकी बैक में हैं तो ये बहुत ही जो है ना वो प्राइम लोकेशन पर भी था, और में जिस तरह प्राइस का वेरिएशन आया, प्राइस बढ़ी हैं और मेच्योर हो गई हैं, और लोगों ने यहाँ पे अपनी साइट्स जो है ना वो बुकिंग के लिए खोली, और अब तकरीबन मैक्सिमम जो है ना वो साइट्स की बुकिंग हो चुकी है। ये थी आज की वीडियो 133 यार्ड पर मुश्तमिल कमर्शियल की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो 266 यार्ड पर मुश्तमिल वीडियो होगी। किसी भी किस्म की आपकी क्वेरी है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +923 00098 2510। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी एडर। अल्लाह हाफिज़।